2010 के टॉप 5 अंडररेटेड एलियंस के बारे में जानने से पहले आइए अंडररेटेड का मीनिंग जान लेते हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर या पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो आप लोगों के अटेंशन पाने का काबिल भी है, पर उसे आप लोग बहुत कम पावरफुल समझते हो, तो उसे अंडररेटेड कहा जाएगा। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे और किसी तरह ये एलियंस अंडररेटेड है। नंबर 5, पिक्सी डस्ट। गाइस, पिक्सी डस्ट एक नन्हा सा फेरी जैसा दिखने वाला एलियन है, पर इसके हाइट पर जाके आप इसे कम मत समझना। ये एलियन सेलेस्टियल सैपियंस को भी हराने का कैपेबल है, क्योंकि ये अपने स्लीप पाउडर से किसी को भी सालों तक सुला सकता है, एलियन एक्स को भी। नंबर 4, एक्सेलरेट। आप लोगों को क्या लगता है, एक्सेलरेट अपने तेज रफ्तार के मदद से एक जगह से दूसरे जगह को तेजी से जा सकता है? क्या आप लोगों को ये पता था एक्सेलरेट अपने तेज रफ्तार से टकुस्टर तक को भी हरा सकता है? नंबर 3, इको इको। अब गाइस, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो सही भी हो सकता है और गलत भी। आप लोगों को पता है कि एक बार बेन इको इको में ट्रांसफॉर्म होके उसके 3 कॉपी को वापस बेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह लाखों इको इको लाखों बेन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और अपने एलियंस की एक बहुत बड़ी फोर्स बना सकते हैं। यानी बेन अकेला ही एलियंस के फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जानती है कि डिटो भी अपना डुप्लीकेट बना सकता है, पर उसे कभी वापस बेन के क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए सीरीज में नहीं दिखाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इको इको बहुत ही अंडररेटेड एलियन है। नंबर 2, डायमंड हेड। ये एलियन डायमंड्स का अटैक तो कर सकता है, पर ये अपने सिर्फ थॉट पावर्स के मदद से डायमंड्स को कंट्रोल कर सकता है। थॉट पावर से चीजों को कंट्रोल करने के एबिलिटी को टेलीकिनेसिस कहा जाता है, यानी ये एलियन टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, पर सिर्फ डायमंड्स के ऊपर। ऐसे आप लोग टेलीकिनेसिस पावर को कम मत समझना, ये एक बहुत ही इफेक्टिव पावर है। सो हम ये कह सकते हैं कि डायमंड हेड भी अंडररेटेड है। नंबर 1, घोस्टफ्रिक। गाइस, घोस्टफ्रिक एक घोस्ट होते हुए भी कोई भी नॉर्मल भूत से काफी पावरफुल है। उसके फिंगर्स के टिप्स बहुत ज्यादा शार्प है, ये किसी की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही इसके पास टेलीकिनेसिस का भी पावर है। दोस्तों, घोस्टफ्रिक के ऊपर माना का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि उसका बॉडी माना से नहीं बना है। जब तक वो अपने स्किन कम्फर्ट के अंदर रहता है, तब तक सनलाइट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये दूसरों को डराने का कैपेबल भी है, और यही सभी चीजों की वजह से घोस्टफ्रिक हमारे टॉप 5 अंडररेटेड एलियंस की लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बनाते हैं। यानी ये एलियन बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे दूसरे रिकमेंडेड वीडियोस को भी देख सकते हो।